झुको वापस करो, झुको वापस करो, झुको वापस करो, झुको वापस करो, सुनो झुको इंडियन नेशनल करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, मोदी हमारे करता है, पुलिस वाले करता है, मोदी हमसे करता है, पुलिस वाले करता है, मोदी हमसे करता है, पुलिस वाले करता है, झुको वापस करो, झुको वापस करो, मोदी हमसे डरता है, हमसे डरता है, आज वाले देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आज मुल्कगीर सतह पे जो एक कमर तोड़ महंगाई है उसके खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जिनका बेजा इस्तेमाल कर रहा है किया जा रहा है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे आईबी है, चाहे इनकम टैक्स है, उसके खिलाफ और अग्निपथ के तहत जो नाइंसाफी हमारे नौजवानों के साथ हो रही है अग्निपथ स्कीम के तहत, या उसके खिलाफ है। और साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 अगस्त भी है, इत्तेफाकन 5 अगस्त भी है, और ये वो 5 अगस्त है जिस दिन हमारी अर्स्टवाइल रियासत जम्मू कश्मीर के साथ बदतरीन तरीके का जो जुल्म हुआ, जो मजाक हुआ, जो हमें ह्यूमिलिएट किया गया, यहाँ के 1,20,00,000 लोगों को जो ह्यूमिलेट किया गया उसके वास्ते भी प्रोटेस्ट है। सर ये देखिए, कहने को तो बहुत कुछ बोला जाता है, बोला तो ये भी गया है और बोला जाता है कि अच्छे दिन वापस आए हैं। मैं इस सब का आपको एक ही जवाब देना चाहूँगा कि हमारी गुजारिश है, बिलखसूस अर्स्टवाइल रियासत जम्मू कश्मीर की गुजारिश है कि हमें वही पुराने बुरे दिन जो है हमें वही लौटा दीजिए। उसमें दफ़ा 370 भी आता है, उसमें 35A भी आता है, उसमें डेवलपमेंट भी आती है, हमारी मुलाजमतें भी आती हैं, हमारे ज़मीनों के हकूक भी आते हैं। हमें ये अच्छे दिन ज़रूरत नहीं है, हमें वही पुराने बुरे दिन वापस लौटा दीजिए। बाकी जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, एक थिएट्रिक्स है, एक रिटॉरिक्स है, बातें बहुत हो रही हैं लेकिन ज़मीनी सतह पर नहीं। जहां तक 370 का ताल्लुक है, 370 के बारे में जब भी बात की जाए हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में किए जानी चाहिए। सबसे पहले ये कि ये एक नेगोशिएटेड आर्टिकल था, कोई ये ग्रांटेड आर्टिकल नहीं था, इट वाज ए नेगोशिएटेड आर्टिकल, और जिसके तहत हमें जितने भी इख्तियारात, हमें अब सबको पता है हमें क्या क्या इख्तियारात थे, वो ज़मीनों के थे, वो मुलाजमतों के थे, वो हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, हमारे जितने भी सकाफत है उसको प्रोटेक्ट करने के हकूक थे। लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जिस वक्त हम देखते हैं तो यही हकूक जो जो दफ़ा 370 के तहत हमें मिले थे, यही हकूक 371A से लेके H सब क्लॉज, वो 11 रियासतों थे, वो हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन को, हमारे जितने भी सकाफत है उसको प्रोटेक्ट करने के हकूक थे। लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जिस वक्त हम देखते हैं तो यही हकूक जो जो दफ़ा 370 के तहत हमें मिले थे, यही हकूक 371A से लेके H सब क्लॉज, वो 11 रियासतों को भी दिए गए तब। उनमें से तो किसी के नहीं हटाए गए, उनमें से जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है, अभी भी वहाँ पे ये है कि वहाँ पे कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता। आसाम जैसी प्रोग्रेसिव स्टेट में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, मेघालय और इसमें मिजोरम में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ आप बिना परमिट के भी नहीं जा सकते, हिंदुस्तान के दायरे में होने के बावजूद, हिंदुस्तान का एक का हिस्सा होने के बावजूद आप परमिट के बगैर नहीं जा सकते, जो परमिट सिस्टम यहाँ पे पहले लागू था। तो ये जो है ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। और अब वापस लेने का जहाँ तक ताल्लुक है, इसके दो ही रूट्स हैं, या पार्लियामेंट है और या जुडिशरी है। पार्लियामेंट में जब तक ये बीजेपी की ब्रूट मेजॉरिटी है, वो ब्रूट मेजॉरिटी
के तहत आपको कभी 370 वो वापस नहीं देंगे। लेकिन जहां तक जुडिशरी का रूट जो है वो हमें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि यहां की जुडिशरी अगर हमारे साथ इंसाफ करे, अगर बाज़ाब्ता जो जुडिशरी में आज तक 370 को लेके केसेस हुए थे उसकी जजमेंट्स को मलहूज नजर रखे, तो हमें कोई इसमें शक नहीं कि जुडिशरी से हमें हमारे खोए हुए हकूक जो हैं वो वापस मिलेंगे। एक अटपटा सा सवाल है या हाइपोथेटिकल एक बात है, कांग्रेस पार्टी ही देने वाली है। जिस वक्त ये आर्टिकल 370 हो 371 हो, भाजपा तक का तो कहीं नामो निशान नहीं था। आरएसएस जो थी वो एक अंडरग्राउंड कहिए या ओवरग्राउंड कहिए तहरीक के चला रही थी डिसरप्शन की। तो कांग्रेस से ये पूछना कि आप क्या करेंगे, ये मेरे ख्याल में अटपटा भी है, हाइपोथेटिक है। जब भी वो वैसी पोजीशन में होगी वो उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से उस पर फैसला ज़रूर लेगी।